हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है ए की पावर एम का होल पावर एन किसके इक्वल होता है, ए की पावर एम एन के क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है आपकी ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ये किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए की पावर एम का होल पावर एन है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए की पावर एम एन के इक्वल हो जाएगा। वैसे हम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, ए की पावर एम एन बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, ए की पावर एम एन के इक्वल बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी। तो ये जो भी एक्सप्रेशन है हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह से इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन क्या हो जाएगा, ए माइनस का बी, ए माइनस का बी इंटू क्या हो जाएगा, ए माइनस का सी हो जाएगा, ठीक है। प्लस वन अपॉन क्या बन जाएगा, वन अपॉन क्या बन जाएगा, बी माइनस सी इंटू क्या बन जाएगा, बी माइनस ए बन जाएगा, ठीक है। प्लस वन अपॉन क्या बन जाएगा, वन अपॉन बन जाएगा सी माइनस ए, सी माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, सी माइनस बी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, जो एक्सप्रेशन है इसे हम क्या मान लें, ई के इक्वल मान लेते हैं, और ये जो पावर है पहले इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई मान लीजिए, ई किसके इक्वल है, वन अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। वन अपॉन क्या है, ए माइनस बी इंटू क्या है, ए माइनस सी, ठीक है। प्लस वन अपॉन क्या है, बी माइनस सी, बी माइनस सी और क्या है, बी माइनस का ए है, ठीक है। प्लस वन अपॉन है यहाँ पर सी माइनस ए, सी माइनस ए इंटू क्या है, सी माइनस बी के इक्वल है, ठीक है। चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, इसे मैं साइक्लिक ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ए माइनस बी है और बी माइनस सी है, और ए माइनस सी, तो इसे मैं लिख रहा हूँ सी माइनस ए। सी माइनस से लिखने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक माइनस जो है आपका कहाँ पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, उस माइनस को मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, और ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू क्या बन जाएगा, सी माइनस का, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, ये वन है, ये बी माइनस सी है, ठीक है। और इसे मैं लिख रहा हूँ बी माइनस ए, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि ए माइनस बी को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी माइनस ए के क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी माइनस ए तो इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए माइनस बी, वो जो माइनस आएगा उसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पर वन अपॉन क्या है, सी माइनस का ए है, ठीक है। और इसे मैं क्या लिख रहा हूँ, बी माइनस का क्या कर रहा हूँ, सी लिख रहा हूँ। तो सी माइनस बी को क्या होता है, माइनस ऑफ बी माइनस सी के इक्वल हो जाएगा, तो माइनस कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, देखिए माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा तो अंदर कैसा साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। और आपका एलसीएम निकाल लेता हूँ, आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा ए माइनस का बी इंटू बी माइनस का सी इंटू क्या हो जाएगा, सी माइनस ए के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ये आपका एलसीएम है। तो देखिए ए माइनस बी सी माइनस ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी माइनस का सी आ जाएगा, प्लस मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बी माइनस सी ए माइनस बी हट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी माइनस का ए आ जाएगा, और यहाँ पे सी माइनस ए बी माइनस सी हट गया तो क्या आ जाएगा, ए माइनस का बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए सी से ए सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल और बी से बी कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, जीरो के ही इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हमें किसका वैल्यू निकालना था, हमें वैल्यू निकालना था, दिस इम्प्लाइज एक्स की पावर वन अपॉन क्या निकालना था, वन अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी, और साथ में क्या था, सी माइनस ए क्या है, ए माइनस सी है, ठीक है। प्लस वन अपॉन देखिए क्या है, बी माइनस सी, बी माइनस सी के साथ क्या है आपका, बी माइनस सी के साथ बी माइनस ए है, और वन अपॉन क्या है, सी माइनस ए इंटू सेम सी माइनस बी है, ठीक है। ये वैल्यू हमें क्या करना था, फाइंड करना था किसके इक्वल हो गया, एक्स की पावर जीरो के इक्वल हो गया, और किसी नंबर की पावर जीरो किसके, किसी नॉन जीरो की पावर जीरो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, ठीक है। क्लियरली यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन वन इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।